Hello friends. So friends, let us continue with working capital management. And in the working capital management, what we were discussing about? We were discussing about cash management. Working capital management. And in the working capital management, what we were discussing about? कैश मैनेजमेंट. तो कैश मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या कहा कि सर हमें किस चीज़ को मैनेज करना है, अपने कैश के बैलेंस को मैनेज करना है. क्यों मैनेज करना है? ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट हैव द एक्सेस कैश एंड वी डू नॉट हैव द शॉर्टेज ऑफ कैश. ठीक है, क्लियर है? तो कैश मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैश हमारे पास ना एक्सेस होना चाहिए ना शॉर्ट होना चाहिए. और अगर एक्सेस या शॉर्ट है तो उसको पूरा कैसे करना है? अगर एक्सेस है तो उसको इन्वेस्ट कहां पर करना है, और अगर शॉर्टेज है तो उसको फाइनेंस कहां से करवाना है. ठीक है जी, तो यही चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैश मैनेजमेंट में. तो हम लोगों ने क्या कहा कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश बजट. ठीक है, तो कैश बजट में हमारे पास क्या है कि सर हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, कितना शॉर्टेज है, कितनी एक्सेस है. अगर एक्सेस है तो इसको इन्वेस्ट कहां करना है, और अगर शॉर्टेज है तो उसको फाइनेंस कहां से करवाना है. तो कैश बजट में हम लोग क्या लेते हैं, बजट में क्या लेते हैं, इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कैश की बात करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कौन सी आएंगी, कैश की आएंगी. तो हमने कैश बजट प्रिपेयर किया, तो हमने क्या कहा था उसमें कि कैश इनकम कितनी है हमारी, राइट. उसमें वेरियस सोर्सेज हैं, कैश इन हैंड कितना है, कैश सेल्स कितनी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है, कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो वो कितना है. तो वो हमने पूरा के पूरा फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लिया था. ठीक है जी, और जो वो फॉर्मेट्स हैं आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द नोट्स. ठीक है, तो मैं नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा वेबसाइट पर, राइट. सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन सब्सक्राइब. ठीक है जी, बहुत जल्दी आपको नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा वहां पर, क्लियर है. देन फिर हमने क्या कहा था कि जो कैश एक्सपेंसेस हैं, कि कैश एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है, एक्सेस कितना है या शॉर्टेज कितनी है. ठीक है, यही आइडेंटिफाई किया था. फिर अगर एक्सेस है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, और अगर शॉर्टेज है तो उसकी फाइनेंसिंग कैसे कैसे की है हमने. कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ली हैं, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंस किसी से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया हमने. ठीक है, तो फाइनेंसिंग की है तो आप क्या करोगे, उस पर रीपेमेंट भी होगी, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. तो वो हमने सारे के सारे फॉर्मेट देख लिए थे. ठीक है जी, और हमने क्या देखा था फॉर्मेट में, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट लेक्चर में की थी, दैट वाज वर्किंग नोट्स. किस किस चीज के वर्किंग नोट्स थे, कैश सेल्स के, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, राइट. ये हमने एक वर्किंग नोट किया था. सेकेंड क्या किया था हमने, कैश परचेज एंड पेमेंट टू सप्लायर्स, कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है. हमें अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा तो हमें कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई होगी, राइट. तो उस इंफॉर्मेशन से हमें ये फिगर्स डिराइव करनी होंगी. ठीक है जी, और तीसरा क्या किया था हमने, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. ठीक है जी, क्लियर है. तो ये वर्किंग नोट्स किए थे हमने लास्ट लेक्चर में, इनके ऊपर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए थे. ठीक है, तो अब इस लेक्चर में क्या करते हैं, अब हमने कैश बजट के बारे में हमने बहुत डिस्कशन कर ली, राइट. हमने फॉर्मेट्स भी देख लिए, हमने वर्किंग नोट्स भी देख ली, हमने उसका बेसिक्स भी देख लिया, हमने सारा कुछ कवर कर लिया. तो अब इसके ऊपर सर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनती है अच्छी सी, जिसमें हमारे पास सारा कुछ कवर हो जाए. ठीक है, जिसमें वर्किंग नोट्स भी बनाने हो, जिसमें कैश बजट भी बनाना हो, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दूंगा विद आंसर्स, राइट. तो आप लोगों को ईजी भी रहेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, राइट. सो लेट्स सी,
मैंने कहा प्रिपेयर द कैश बजट ऑफ लिमिटेड फॉर अप्रैल टू जून फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. एस्टिमेटेड सेल्स परचेजेस एंड एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज. ठीक है जी. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सिक्स मंथ्स का हमें दिया. सेल परचेज वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. फिर दिया कैश सेल्स आर 20% ऑफ द टोटल सेल्स. 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर पेड विद इन वन मंथ एंड द बैलेंस इन द टू मंथ्स. कैश परचेजेस आर 25% ऑफ टोटल परचेज. 50% ऑफ क्रेडिट परचेजेस आर पेड विद इन वन मंथ एंड द बैलेंस इन टू मंथ्स. नो स्टॉक रिमेन्स एट द एंड ऑफ अ मंथ. कमीशन ऑन सेल्स 10%. द टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/3 ऑफ द मंथ एंड दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस वन मंथ. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर ईच मंथ इंक्लूड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 10,000. 12% 2 lakh debentures of ₹100 each were issued on 1st of January. Half yearly interest payable on 30th of June and 31st of December. Right? 36,000 equity shares of ₹10 each were issued on 1st of May at 5% premium. Cash balance at the end of the March is 4 lakh rupees. Right? अब उसने क्या मांगा है? उसने कहा कैश बजट बनाना है. कौन से पीरियड का? ये 6 के 6 महीने का? नहीं सर. सबसे पहली चीज उसने कैश बजट मांगा है अप्रैल टू जून का. तो जब भी क्वेश्चन करोगे ना कैश बजट का, ये चीज ध्यान रखना कि उसने कौन से पीरियड का मांगा है. हमें इन्फॉर्मेशन हो सकता है ज्यादा पीरियड की दी गई हो, लेकिन उसने कैश बजट हमसे कम पीरियड का मांगा हो. ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना. क्लियर है? अब देखो, एक चीज हमें क्लियर होगी, जब उसने कैश सेल्स की परसेंटेज दे दी और क्रेडिट सेल्स के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इसका मतलब है कि सर वर्किंग नोट तो बनेगा बनेगा. सिमिलर केस विद द परचेजेस. ठीक है, तो दो वर्किंग नोट तो पक्के हो गए हमारे. तीसरा क्या था? एक्सपेंसेस. सर एक्सपेंसेस का भी उसने, वेजेस का भी हमें कुछ ना कुछ वर्किंग नोट दे दिया. वेजेस का क्या? द टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/3 ऑफ द मंथ. वो कहता है 1/3 वेजेस पिछले महीने की और 2/3 इस महीने की. ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेजेस का भी एक वर्किंग नोट बनेगा. तो सर तीन वर्किंग नोट तो पक्के हो गए. सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, वो तो सीधा सीधा वन मंथ है कि पूरे के पूरे एक महीने के कैरी फॉरवर्ड होंगे. ठीक है, डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा. अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर अच्छे से किए हैं तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन का क्या करना है आपको. सर जब भी हम कैश बजट की बात करते हैं, वहां पर हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते हैं. करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं सर. ठीक है, तो वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद कैश बजट बनाएंगे. ठीक है सर, अब वर्किंग नोट जब प्रिपेयर करेंगे, क्या वर्किंग नोट भी हम सिर्फ अप्रैल से मई के करेंगे? नहीं सर, हम टोटल करेंगे. क्यों? उसका रीजन आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो हम सबसे पहले तो वर्किंग नोट वन बनाएंगे, जिसमें मैं कहूंगा कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स, राइट, एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ठीक है जी. तो मेरे पास अब क्या है? मैंने कहा पूरे पीरियड का लूंगा मैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून. ठीक है, तो पूरे के पूरे हम 6 महीने का वर्किंग नोट बनाएंगे. तो वर्किंग नोट में क्या मुझे टोटल सेल्स दी गई हैं? मुझे सर टोटल सेल्स उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में. कितनी कितनी दी हुई है? 2 lakh, 4 lakh, 6 lakh, 8 lakh, 10 lakh एंड 12 lakh. तो हर महीने 2-2 lakh से इंक्रीज होती गई सेल्स. तो मैंने कहा चलो लिख लेते हैं जी, 2 lakh, 4 lakh, 6, 8, 10 एंड 12. क्लियर? अब जब टोटल सेल्स आ गई, तो इसमें से आपको कैश सेल्स निकालनी है. सबसे पहले तो कैश सेल्स कितनी है, क्या इंफॉर्मेशन दी गई कैश सेल्स की? उसने कहा कैश सेल्स आर 20% ऑफ द टोटल सेल्स. तो कर लो पहले 20% माइनस कैश सेल्स.
कितनी है? 20%। ठीक है जी, 20% करोगे तो क्या आएगा? 40,000, राइट? देन 80,000, देन 1,20,000, 1,60,000, 2,00,000 एंड 2,40,000। ठीक है जी, तो ये माइनस कर दी। अब मेरे पास कैश सेल तो आ गई, जो मुझे कैलकुलेट करना था, कैश सेल मेरे पास आ गई सर। अगर टोटल सेल में से मैं कैश सेल निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? क्रेडिट सेल बचेगी। क्रेडिट सेल कौन सी है? मेरे डेटर्स जो है, 1,60,000, 3,20,000। ठीक है जी, तो यहां पे बचेगा 4,80,000। ठीक है, देन 6,40,000, यहां पर बचेगा मेरे पास 8,00,000 एंड 9,60,000। यस, 9,60,000। तो ये मेरे पास क्या आ गई? मेरी क्रेडिट सेल्स। सर अब क्रेडिट सेल से रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। उसने कहा 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर पेड विद इन 1 month, ठीक है, एंड द बैलेंस इन 2 months। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है जितनी मेरी क्रेडिट सेल थी, मेरी जनवरी की क्रेडिट सेल कितनी थी? 1,60,000। वो कहता है इसका 50% तो मुझे 1 महीने बाद मिल जाएगा। 1 महीने बाद मिलेगा मतलब कब मिलेगा? फरवरी में जाकर। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये तो हो गया 50% 1 month, राइट, एंड 50% 2 months। अब देखो जनवरी में क्या हुआ? जनवरी की जो सेल्स थी 1,60,000। अब इस जनवरी में मेरे पास कुछ आएगा? नहीं आएगा सर। ठीक है, वो कहता है 1,60,000 का 50% मुझे 1 महीने बाद मिल जाएगा। मतलब 50% कब मिलेगा मुझे? फरवरी में। मैं लिख दूं यहां पर 80,000। ठीक है, और रिमेनिंग 50% 80,000 वो कब मिलेगा? वो कहता है वो 2 महीने बाद मिलेगा जाकर। तो मतलब जनवरी की जो सेल थी उसका 2 महीने बाद मतलब मार्च में मिलेगा बाकी का 50%। तो मैं 50% यहां पे लिख दूं 80,000। ठीक है जी, तो मतलब 50% यहां पर और 50% यहां पर। क्लियर है? यही क्वेश्चन में दिया गया कि जो मंथ की क्रेडिट सेल्स है उसका 50% अगले महीने में मिलेगा और रिमेनिंग 50% आपको 2 महीने बाद जाकर मिलेगा। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब फरवरी की 3,20,000, अब 3,20,000 का 50% तो मुझे मार्च में मिल जाएगा, मतलब अगले महीने में मिल जाएगा 1,60,000, और बाकी का कब मिलेगा? अप्रैल में। ठीक है, अब आई सर मार्च की 4,80,000, इसका 2,40,000 तो मुझे यहीं पर मिल जाएगा, और 2,40,000 मुझे मिलेगा 2 महीने बाद मई में जाके। अब 6,40,000 का 3,20,000 तो मुझे यहां पर मिल जाएगा, और 3,20,000 मुझे मिलेगा 2 महीने बाद जून में जाके। क्लियर है? अब इसका सर 4,00,000 तो जून में मिलेगा, बाकी का 4,00,000 वो जुलाई में मिल जाएगा। जुलाई का हमसे मांगा नहीं गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम इतना ही करेंगे। अब सर एक चीज़ देखो, मैंने कहा था जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो पूरे पीरियड के बनाएंगे, हम सिर्फ अप्रैल से जून नहीं बनाएंगे। ये रीज़न था कि हमने पूरा के पूरा किया, नहीं तो हम पीछे से कौन से मंथ की सेल कितनी लेनी है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए हमने जब वर्किंग नोट बनाया वो सिर्फ अप्रैल टू जून का नहीं बनाया, वो हमने पूरे पीरियड का बनाया, ताकि जब सेल्स स्प्लिट होंगी, जब क्रेडिट सेल्स की कलेक्शन होगी इनटू 1 month 2 months, तो हमें एग्जैक्टली पता होगा कि कौन से मंथ से कितनी सेल हमें आ रही है। ठीक है, बनाने को अप्रैल टू जून भी बना सकते हो, लेकिन फिर आपको ये 2,40,000 और 1,60,000 वाली फिगर एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, उससे बेटर है कि आप पूरा के पूरा पीरियड ले लो, काम ही खत्म।
ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ टोटल कलेक्शन क्या हुई डेटर से आपकी। तो आपकी टोटल कलेक्शन क्या रही डेटर से, टोटल कलेक्शन सॉरी बताओ। जनवरी में कोई कलेक्शन हुई? सर नहीं हुई। फेब्रवरी में 80,000 की, मार्च में 2,40,000 की, राइट, देन अप्रैल में 4 लाख, ठीक है जी, देन 5,60,000, ठीक है, देन लास्ट 7,20,000। तो ये मेरे पास आ गई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दिस इज टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट था जो डिस्कस करना था हमें, कि इसलिए हम पूरे पीरियड की कैलकुलेट करेंगे, जब भी वर्किंग नोट की बात करेंगे हम पूरे पीरियड का लेंगे, ताकि ये जो फिगर्स है आपके पास 2,40,000, 1,60,000 वाली जो ये फिगर्स हैं आपके पास सर, जो ये वाली फिगर्स है आपके पास, ये आपके पास करेक्टली आ सके, ठीक है। अगर वैसे उसको करोगे आप डायरेक्टली करने की कोशिश करोगे तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे हमेशा, वैसे भी आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम होगा, ठीक है, वहाँ पे माइंड पर प्रेशर भी होता है, आपको कुछ ना कुछ यू नो मेंटल प्रेशर होता है एक तरह से, कि गलत ना हो जाए, क्वेश्चन ऐसे करना है, क्वेश्चन वैसे करना है। सो बेटर है कि इसको पूरा के पूरा लेके चलो, ठीक है। अगर अप्रैल टू जून भी करोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है, तो भी कोई गलत नहीं करेगा, अनटिल अनलेस कि आपकी फिगर्स गलत है। चलो जी, अब नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा हमारे पास। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश परचेजेस एंड पेमेंट टू सप्लायर्स, एंड पेमेंट टू सप्लायर्स, ठीक है। तो ये भी हम पूरे पीरियड की कैलकुलेट करेंगे, जनवरी फेब्रवरी मार्च अप्रैल मई एंड जून। सर देखो, जब हमने बात की थी कैश परचेज और पेमेंट टू सप्लायर्स की, मैंने स्टार्ट किससे किया था? मैंने सेल से लेकर ग्रॉस प्रॉफिट पे गया था, फिर मैंने स्टॉक का इफेक्ट लिया था, फिर मैंने एक्सपेंसेस का इफेक्ट लिया था, मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाया था आपको, वहां से हमने क्या कैलकुलेट किया था, टोटल परचेजेस कैलकुलेट की थी, ठीक है। लेकिन अब यहां पर अगर क्वेश्चन देखोगे आप, तो यहां पर आपको टोटल परचेजेस ऑलरेडी गिवन है डायरेक्टली, तो आपको वो इतना लंबा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन इजी कर दिया आपके लिए, आपको वो ट्रेडिंग अकाउंट दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट स्टॉक इफेक्ट कुछ नहीं लेने की जरूरत, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको डायरेक्टली परचेजेस दे दी, ठीक है, तो आपका काम उन्होंने इनडायरेक्टली आसान कर दिया, ठीक है जी। तो हम ले लेंगे टोटल परचेजेस ले लें फिर डायरेक्टली, तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल परचेजेस, ठीक है जी, टोटल परचेजेस मेरे पास आई 1,52,000, ठीक है जी। फेब्रवरी मेरे पास आ गई 3,06,000, 4,60,000, आई एम राइटिंग द फिगर्स, आप लोगों को क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा दूंगा वेबसाइट पर, तो मैं सीधा अभी डायरेक्टली फिगर्स लिख रहा हूँ, 7,56,000 एंड 9,04,000। अब मुझे बताओ इसमें से कैश परचेज क्या कोई इंफॉर्मेशन दी गई हमें कैश परचेज के लिए, पढ़ लेते हैं सर। उन्होंने कहा कैश परचेज है 25% ऑफ द टोटल परचेज, इजी है, सीधा 25% कर दोगे, टोटल परचेज है ही आपके पास, तो आप इसका कैश परचेज निकाल सकते हो, कितनी है 25%, तो जनवरी में कितनी होगी 25% करके 38,000, ठीक है जी, 76,500, देन इन द मार्च वी हैव 1,15,000, देन 1,52,000, राइट,
189,000 एंड 226,000, क्लियर। तो आपके पास बाकी क्या बचा, आप क्रेडिट परचेज बची। मेरे पास कैश परचेज चाहिए थी, मेरे पास कैश परचेज आ गई, लेकिन बाकी क्या बची आपके पास, क्रेडिट परचेज कितनी है 1,14,000, 229,500। एक बार चेक कर लेना ज़रूर, फिगर्स कुछ गलती होगी तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, आप लोग करेक्ट कर लेना अपने लेवल पर, ठीक है। 4,56,000, क्लियर। देन यू हैव 5,67,000 एंड देन यू हैव क्रेडिट परचेज ऑफ 6,78,000, ठीक है जी। तो अगर ये एक बार कैलकुलेशन ज़रूर चेक कर लेना अपने लेवल पर, अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग, ठीक है। नहीं तो अपने लेवल पे करेक्ट कर लेना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अब क्रेडिट परचेज आ गई। तो सर जब क्रेडिट परचेज आ गई, इसका मतलब है कि हमें पेमेंट करनी है सप्लायर्स को। अब पेमेंट कैसे कैसे करनी है, क्या उसकी भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है? बिल्कुल। कैश परचेज ले लिया हमने, उसने कहा 50% ऑफ क्रेडिट परचेजेस आर पेड विद इन 1 month एंड द बैलेंस इन 2 months। जैसे सेल था वैसे ही मेरा परचेज का सिस्टम है क्रेडिट का, कि जितनी मेरी 1 महीने की परचेज है पेमेंट टू सप्लायर्स। तो ये भी अब 2 parts में हो रही है, कैसे कैसे, 50% तो हो रही है मेरी 1 month पे और रिमेनिंग 50% हो रही है मेरी 2 months पे, ठीक है। तो मतलब जनवरी की जो मेरी क्रेडिट परचेज थी 1,14,000 की, उसका 50% तो मैं करूंगा फरवरी में पे और रिमेनिंग 50% मैं करूंगा उसका मार्च में पे, क्योंकि मेरे पास 50% 1 महीने बाद देना है मुझे और रिमेनिंग 50% मार्च में देना, 2 महीने बाद देना है। तो 1 महीने बाद मतलब फरवरी, 2 महीने बाद मतलब मार्च, क्लियर है। तो मतलब इसका जो 57,000 है वो मैं यहाँ पर कर दूंगा पे और 57,000 मैं मार्च में पे करूंगा, ठीक है जी। तो इसका ये 57,000 यहाँ आ गया और ये 57,000 यहाँ आ गया, ठीक है। तो फरवरी का 2,29,500, तो इसका मैं 1,14,750 यहाँ पर पे करूंगा, 1,14,750 मैं अप्रैल में पे करूंगा, ठीक है जी। अब मार्च का 3,45,000, इसका मैं 1,72,500 यहाँ पर पे करूंगा और 1,72,500 मैं मई में 2 महीने बाद पे करूंगा। लाइकवाइज फॉर 4,56,000, 2,28,000 मैं मई में करूंगा और 2,28,000 विल बी पेड इन जून, ठीक है जी। फिर आएगा 2,83,500, ये इसका 50%, रिमेनिंग 50% जुलाई में पे करेंगे। तो जुलाई की ना तो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है ना हमसे मांगी गई है, ठीक है। तो हम जहां तक हमें हमें दिया गया और मांगा गया वहीं तक काम करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो टोटल पेमेंट क्या है सप्लायर्स की? अब मेरे पास क्या आएगी, टोटल पेमेंट टू सप्लायर्स, टोटल पेमेंट यहां पर क्या आई 57,000 की, ठीक है जी। जनवरी में कुछ थी सर? जनवरी में कुछ नहीं थी हमारे पास। मार्च में कितनी आई है मेरे पास, 1,71,750, देन अप्रैल 2,87,250, राइट, मई 4,500 एंड जून में हमारे पास आई है 5,11,500, क्लियर है। तो हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, क्या करना था, कैश परचेज और पेमेंट टू सप्लायर्स। तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, ठीक है जी। तो सर ये भी खत्म हो गया। नो स्टॉक रिमेन्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं रहता,
कमीशन ऑन सेल्स 10%, वो डायरेक्टली जब हम कैश बजट लेंगे वहां पर बना लेंगे, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है उसका। टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस, अब ये पॉइंट है, ठीक है, कमीशन ऑफ सेल्स बाद में कर लेंगे। टाइम लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/3 ऑफ द मंथ एंड दैट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1 month। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता है 1 महीने का टाइम लैग है, मतलब कि जनवरी के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हम कब पे करेंगे, फरवरी में, फरवरी के कब पे करेंगे, मार्च में, मार्च के कब पे करेंगे, अप्रैल में, अप्रैल के मई में, मई के जून में, ठीक है। लेकिन बात आई वेजेस की, तो वेजेस वो कहता है कि टाइम लैग इज 1/3 ऑफ द मंथ, मतलब 1 महीने के जनवरी के जितने वेजेस हैं उसके 1/3 तो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में पे, 1/3 तो हम करेंगे नेक्स्ट मंथ में पे, और जो 2/3 होंगे 2/3 हम पे करेंगे करंट मंथ में, ठीक है जी, क्लियर है। तो उन्होंने क्या कहा कि 1/3 तो हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे और 2/3 हम उसी मंथ में पे करेंगे। तो मेरे पास अगर मैं वर्किंग नोट 3 की बात करूं, चलो हमारे पास स्पेस है यहां पे, यहीं पे कर लेंगे। तो मेरे पास यहां पे आया वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। अब ये चाहे आप अप्रैल मई जून ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है ज्यादा। फिर भी अगर आपको लगता है तो पूरे पीरियड की ले लो, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो पार्ट्स होंगे सर, एक तो होगा 1/3 ऑफ प्रीवियस मंथ, 1/3 ऑफ प्रीवियस मंथ। सर प्रीवियस मंथ क्यों लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दिया है 1/3 हम अगले महीने में पे करेंगे, तो जब अप्रैल आएगी अप्रैल में मार्च का 1/3 आएगा या नहीं आएगा, अप्रैल का 1/3 तो मैं मई में पे करूंगा, ठीक है, और 2/3 ऑफ करंट मंथ। अब 1/3 ऑफ प्रीवियस मंथ, अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल में 1/3 ऑफ प्रीवियस मंथ, मार्च में कितनी वेजेस हैं, 36,000, इसका 1/3 कर दो सर, कितना होगा, 12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल में मेरे पास कितना आएगा, 1/3, 12,000। ये 12,000 कैसे आया है, 1/3 ऑफ, दिस इज 1/3 ऑफ 36,000, ठीक है जी। ये 36,000 क्या थी, मार्च की वेजेस, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है जी। चलो अब 2/3 ऑफ द करंट मंथ, करंट मंथ में कितनी है अप्रैल में, 48,000। ये जो 48,000 है इसका 1/3 मैं पे करूंगा मई में, लेकिन 2/3 मैं पे करूंगा यहां पर, इसका 2/3 क्या मेरे पास बनेगा, 32,000। ठीक है जी, 32,000। तो अप्रैल की मेरे पास टोटल वेजेस क्या आ जाएंगी, टोटल वेजेस कितनी आ जाएंगी, 44,000, ठीक है जी। ऐसे ही हम मई की कैलकुलेट करेंगे, मई की मेरे पास आएगी 16,000 एंड 40,000, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैंने सीधा फिगर्स लिख दी। अब आया मेरे पास जून, जून में 20,000, सॉरी जून में मेरे पास आया 20,000 एंड 48,000, ठीक है। 1/3 और 2/3 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई होप उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि मेरे पास 3 वर्किंग नोट बनेंगे, जो मेरे क्वेश्चन से मुझे दिख रहा था, ठीक है। तीनों वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए, अब क्या करें सर, अब क्या करना है, मजे करो, अब बनाओ कैश बजट। अभी मजे करने का टाइम नहीं है, मई के बाद, जून के बाद करेंगे।
ठीक है जी, जो भी अटेम्प्ट है उसके बाद करेंगे मजे। तो अभी तो आप लोगों को करना है काम। अब काम में आपके पास क्या है, अब आपको बनाना है कैश बजट। तो मुझे ये बताओ कि कैश बजट क्या आप लोगों को दे दूं होमवर्क के लिए, या मैं करवाऊं लेक्चर में करें, या आप लोगों को होमवर्क में दूं कैश बजट? सर क्या होमवर्क, हम कहाँ करेंगे होमवर्क, करवा ही दो, छोड़ो होमवर्क। अब जब आधा क्वेश्चन करवा ही दिया तो पूरा भी करवा दो सर, क्या दिक्कत है उसमें, चलो कर लेते हैं फिर, छोड़ो। ठीक है, अब कैश बजट बनाना है हमें 3 महीने का, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, अब ये कैश बजट का फॉर्मेट अपने सामने रखना, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, ठीक है, वो फॉर्मेट अपने सामने रखो। ठीक है जी, ये फॉर्मेट्स ना अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए तो मैं आपको जल्दी ये फॉर्मेट्स वेबसाइट पे दे दूंगा, आई विल गिव इट इन अ डे और टू। ठीक है, तो जितने फॉर्मेट्स होंगे मैं आपको साथ साथ वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। ठीक है, लेकिन जो जिनका अकाउंट एक्टिवेटेड होगा ये फॉर्मेट सिर्फ उन्हीं को दिख पाएंगे, राइट। अकाउंट एक्टिवेशन मीन्स जिन्होंने पेमेंट की होगी फॉर द FM कोर्स, ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे फॉर्मेट्स। ठीक है जी, चलो। तो अप्रैल में अब मेरे पास सबसे पहले मेरा फॉर्मेट का ए पार्ट क्या बनता है सर, टोटल कैश अवेलेबल, टोटल कैश अवेलेबल। टोटल कैश अवेलेबल की जब हमने बात की थी तो मैंने क्या कहा था, टोटल कैश अवेलेबल में क्या आता है कि जो पैसा ऑलरेडी मेरी पॉकेट में है और जो पैसा और मेरी पॉकेट में आना है, दोनों चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं ऑलरेडी पॉकेट में है कुछ, जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड। क्या मेरे पास कुछ कैश इन हैंड है अप्रैल में, कोई कैश इन हैंड है मेरे पास? सर लास्ट पॉइंट पढ़ो, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ मार्च इज 4 लाख रुपीज। मार्च के एंड में 4 लाख रुपए है, तो क्या अप्रैल की स्टार्टिंग में भी 4 लाख होगा? अगर मार्च का क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है तो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? 4 लाख होगा, राइट, 4 लाख। अब मई का, सर मई का तो अप्रैल का जो क्लोजिंग आएगा वो मई का ओपनिंग बनेगा, तो अप्रैल का तो अभी क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना है पूरा, तो अभी छोड़ देते हैं मई जून को। जून का तो अभी, जब मई का नहीं आया तो सर जून का कैसे आएगा हमारे पास? ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो हमने वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर रखे हैं वो ले लो। क्या ले लो? कैश सेल्स, वर्किंग नोट नंबर 1, कैश सेल लेनी है सिर्फ अप्रैल मई जून की। ठीक है, 1,60,000, ठीक है, और मई में मेरे पास है 2 लाख एंड जून में है मेरे पास 2,40,000। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ये भी मेरे पास क्या बना, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर है? तो मेरे पास कलेक्शन क्या थी, तो अब जब वर्किंग नोट देखोगे आप लोग, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अब अप्रैल की कलेक्शन क्या है, 4 लाख, ठीक है, मई की क्या है, 560 और 720 है जून की, तो लिख लेंगे। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या है मेरे पास, 4 लाख, देन आई हैव 5,60,000 एंड 7,20,000। और कोई कैश अवेलेबल की इंफॉर्मेशन है, वेजेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? नहीं सर, कैश सेल, क्रेडिट सेल्स हो गया, ठीक है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेजेस इसका पार्ट नहीं है, नो स्टॉक नहीं, कमीशन ऑन सेल्स पेमेंट करेंगे, वो तो कमीशन तो देंगे ना हम सेल पे किसी को, तो वो भी आना नहीं है हमें, वेजेस भी आनी नहीं है, एडमिन एक्सपेंसेस भी नहीं आने, एडमिन एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन है, ये भी अलग पॉइंट है, राइट। और क्या है, 12% 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 वर इशूड ऑन 1st of January, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल ऑन 30th of June एंड 31st of December। सर जब इशू किए थे तब पैसे आए होंगे आपके पास, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं पैसे आए हैं, लेकिन आए कब हैं, 1st of January को, और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अप्रैल मई जून। क्या अप्रैल में कोई पैसा आया? नहीं आया। मई में आया? नहीं आया। जून में आया?
नहीं आया, जून में जाएगा जो इंटरेस्ट देना है, तो यहां पर बात नहीं करेंगे इसकी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इलेवेंथ पॉइंट, 36,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड ऑन 1 मई एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। सर शेयर्स का चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं प्लस टू में, पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे लेक्चर सुन लो, प्लस टू के भी लेक्चर्स हैं मेरे पास जिसमें मैंने पूरा शेयर्स कवर किया हुआ है, यूट्यूब पे हैं, फ्री हैं, ठीक है। तब उसने क्या किया, 36,000 शेयर्स इशू किए जिनकी फेस वैल्यू थी ₹10 एंड दोज आर इशूड एट 5% प्रीमियम। कब किए, मई में किए। तो जब शेयर्स इशू करेंगे तो पैसा आएगा अपने पास, ठीक है। तो मेरे पास यहां क्या आएगा, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इशू ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन क्या की है उसने, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 फेस वैल्यू से किया प्लस 5%, ठीक है जी। और कब इशू किए हैं उसने, मई में, तो मई में इशू किए तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई 3,78,000, ठीक है। जून में कुछ नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास इसके अलावा कुछ है सर, इसके अलावा हमारे पास ए पार्ट में कुछ नहीं है। सो दिस इज माय टोटल कैश अवेलेबल, कितना कितना कैश मेरे पास अप्रैल में था या आया, 9,60,000, मई में 14,04,000, 700 एंड सॉरी, इसमें अभी एक चीज, इसमें अभी कैश इन हैंड नहीं लिया हमने, तो इसका टोटल हम कर नहीं सकते सर। मैंने तो फिगर्स थी मेरे पास, सोल्यूशन है मेरे पास तो फिगर्स थी, लेकिन मैं इसका नहीं ले सकता अभी, टोटल छोड़ दिया हमने, छोड़ दो सर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अब लो बी पार्ट, टोटल कैश पेमेंट्स, तो क्या ले लिया हमने, टोटल कैश पेमेंट्स। अब एक एक करके पेमेंट करते जाएंगे, सबसे पहले तो कैश परचेज ही ले लो, सबसे पहले क्या ले लो, कैश परचेज। कैश परचेज हम आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली यहां पर अप्रैल की, ये 1,52,000, 1,89,000 एंड 2,26,000, ठीक है जी। 1,52,000, 1,89,000 एंड 2,26,000, क्लियर है। फिर आया मेरे पास पेमेंट टू सप्लायर, सॉरी 2,26,000। फिर मेरे पास आई पेमेंट, पेमेंट टू सप्लायर्स, तो ये भी हमने कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर टू, तो ये भी वर्किंग नोट नंबर टू है और ये भी मेरे पास वर्किंग नोट नंबर टू है। पेमेंट टू सप्लायर्स अप्रैल में कितनी है, 2,87,250, 2,87,250 की है, ठीक है जी। देन मेरे पास है 4,500 की है, ठीक है। देन मेरे पास है 5,11,500 की है, क्लियर। उसके बाद वेजेस, सर वेजेस भी हमने कैलकुलेट कर रखी है वर्किंग नोट नंबर थ्री में, ठीक है। कितनी कितनी है, 44,000, 56,000 एंड 68,000, क्लियर। और क्या आएगा मेरे पास, सर वेजेस का ट्रीटमेंट हो गया मेरे पास, ठीक है। कमीशन ऑन सेल्स पे कर देते हैं 10%, चलो ये भी पॉइंट हमारा खत्म होगा। फिर कमीशन ऑन सेल्स, सर ये जो 10% है, अब क्या ये कैश सेल के ऊपर लेना है या क्रेडिट सेल के ऊपर लेना है, क्या कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में दिया गया, नहीं दिया गया। उसने कहा 10% ऑफ सेल्स, मतलब टोटल सेल्स का 10% लेना हमें, ठीक है। तो अप्रैल की टोटल सेल्स कितनी है, 8 लाख, 8 लाख का 10% लोगे, ₹80,000, 80,000, ठीक है। 1 लाख एंड 1,20,000, 1 लाख एंड 1,20,000, क्लियर है। चलो जी,
सर ये भी हो गया। अब इसमें वेजेस हो गया हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस उसने कहा 1 महीने बाद पे करते हैं, इसका मतलब है कि मार्च के जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होंगे वो हमने अप्रैल में पे किए होंगे, ठीक है। तो मार्च के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 50, तो मतलब अप्रैल में 50,000 पे किया होगा। लेकिन अब इसमें एक चीज और है, उसने कहा हर महीने के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है 10,000 की, दैट इज माई नॉन कैश एक्सपेंस, तो मैं उसको कैश बजट में कैसे ले लूंगा। सर ये पॉइंट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर गलती के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। जो डेप्रिसिएशन है 10,000 की, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में से कम करनी होगी, ठीक है। तो जब यहां पर आप एडमिन एक्सपेंसेस लोगे, यहां पर जब आप एडमिन एक्सपेंसेस लोगे साथ में लिखना एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और 1 महीने बाद पे कर रहे हैं, तो अप्रैल में आएगी 40,000। कैसे, 50,000 मार्च की माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगी 40, 50 एंड 60,000, क्लियर है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, यहां से भी हो गया, यहां से भी हो गया, सर ये 11th पॉइंट भी हो गया, 12th भी। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम ये मान के चलते हैं कि अप्रैल के अप्रैल में ही पे हो गए, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही कोई नहीं है हमें, तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 90,000, 1,10,000 एंड 1 लाख, क्लियर है। दिस इज 60,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब बचा क्या सर, ये बचा, उसने कहा 1 जून को डिबेंचर्स इशू किए थे जिसका हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, कब करना है, जून में करना है। तो जून में ये एंट्री आएगी, कितनी आएगी सर, 12% इंटरेस्ट है, 2 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट है, तो 24,000, लेकिन हाफ ईयरली पे करना है तो 12,000, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट है, इसका जो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, 12% ऑफ 2 लाख, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 24,000। और इसका हाफ ईयरली अगर करोगे, हाफ ईयरली करोगे तो कितना आएगा, 12,000। और ये कब आएगा, क्या अप्रैल में, जून, तीनों में आएगा, नहीं सर ये सिर्फ आएगा आपके पास जून में, राइट। तो ये मेरे पास क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है, 12,000, क्लियर है सर। इसके अलावा और कुछ, इसके अलावा मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं बचता, ठीक है जी। तो टोटल लगा लें तो मेरे पास आया टोटल ऑफ बी पार्ट, टोटल ऑफ बी का अप्रैल का आएगा 6,93,250, ठीक है। और अब सर मई और जून का भी लगाओ, मई और जून का कैसे लगा लेंगे भैया, अगर हमें हमारे पास ओपनिंग ही नहीं आया अभी, तो क्लोजिंग आप सबसे पहले, अच्छा चलो टोटल तो लगा लेंगे, क्लोजिंग नहीं निकाल सकते हम लोग, टोटल तो लगा लेंगे इसका हम लोग, बी का 9,05,500 एंड 10,97,500, ठीक है जी। अब निकालने हैं सर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, जितना आया माइनस जितना गया, तो ये मेरे पास आ गया 2,66,750। अब ये जो क्लोजिंग था अप्रैल का, ये मई का जाकर बनेगा ओपनिंग 66,750, ठीक है जी। और मई का क्लोजिंग मेरे पास क्या आता है, 4,99,250, तो मेरे पास 4,99,250 यहां पर आएगा, ठीक है जी। और मेरे पास अब कैश की अवेलेबिलिटी मैं निकाल सकता हूँ मई और जून की, ये मेरे पास आएगी 14,04,750 एंड 14,59,250, ठीक है। तो जून का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, क्या आएगा, 3,61,250
750। क्लियर है जी? सर यही तो निकालना था हमें, कैश बजट में क्या था, क्लोजिंग बैलेंस ही तो निकालना था। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। पूरा एक लेक्चर हमने इस क्वेश्चन पे लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन करने का फायदा यह है कि उससे कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठ जाता है। ठीक है, चलो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद द वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो कैश मैनेजमेंट के साथ ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास और मेथड्स हैं अभी। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, कैश मैनेजमेंट, राइट? एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ऐप, बिकॉज ऑन द टेलीग्राम ऐप आई विल बी पुटिंग सम एग्जाम टिप्स ऑल्सो, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, राइट? एंड आई विल बी पुटिंग अप द थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेरी सून ऑन द टेलीग्राम ऐप, राइट? रेस्ट ऑफ यू फॉर द नोट्स एंड द क्वेश्चंस यू कैन विजिट द वेबसाइट, राइट? एंड फॉर क्वेरीज यू कैन राइट टू मी ऑन माई ईमेल आई डी, दैट इज kshjteaching@gmail.com, राइट? एंड फॉर द स्टडी मटीरियल यू कैन विजिट द वेबसाइट, इवन दी स्लाइड्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.kshjteaching.org, राइट? एंड द टेलीग्राम ऐप लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ऐप, इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू पीपल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।